गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। और बहुत ही टाइम बाद ब्लॉग देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव और फर्स्ट ट्रिप होगी हमारी लाइफ में। कुल मिला के पहली बार जा रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ से वाइफ होगी, सब आ रहे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं। तो पीछे आप देख सकते हो गाड़ी है और कुछ ही देर में हम निकलेंगे। तो सामने का कुल मिला के जो भी नज़ारा होगा बीच का, वो आपको आज की ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपको तुंगनाथ और सीधे ऊपर चंद्रशिला की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा मैं। सो आप ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए बनते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम तुंगनाथ चोपता में, और अब यहीं से कुल मिला के ऊपर चलना है। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कितना दूर है। और ये हमारे आर एस चॉइस ब्लॉगर भी आ चुके हैं यहाँ पे, और बाकी ये सारे हमारे साथी लोग, पूरी फैमिली है। बाकी मौसम तो क्या ही बताएं। बड़े भाई साहब है, बाकी हल्की हल्की बारिश आ रही है और पूरा कोहरा लगा हुआ।
कौन दोस्तों, ये हमारी कुल मिला के दो दो इन सर्विस था है, भाभी जी भी है और जिठो जी भी हैं, जो कि हमारी वाइफ की बड़ी सिस्टर और बाकी सबसे छोटी वाली ये है और एक आगे जा रही है। तो सब पूरी फैमिली जा रही है आज हमारी घूमने के लिए सावन के महीने में। बस थोड़ा मौसम ख़राब है, बाकी सब ठीक है। हम पहली फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम दोनों साथ में। कहाँ? बाबा के दर्शन करने, तुंगनाथ महादेव के पास। और कुछ हमारी मनोकामनाएं हैं, अगर वो पूरी हो गई तो नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा करेंगे, अपने कुल मिला के खुद के सपोर्ट से आएंगे और अपने अंदाज और अपने कुल मिला के मौसम आएंगे, क्योंकि आज बारिश है। ऐसे ही होता है मैनेजमेंट में, अगर अपना सब कुछ रहता तो अपने हिसाब से आते, पर चलो कोई नहीं, अगर बाबा की कृपा बने रही तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छा होगा और मौसम भी साफ रहेगा, क्योंकि आज तो पूरा कोहरा है। सो अभी हल्के हल्के मौसम खुल रहा है शायद, अच्छा हमारी अच्छा लग रहा है और व्यूज़ भी दिखेंगे थोड़ी देर में, प्रकृति के नज़ारे भी दिखेंगे। और चोपता तुंगनाथ में खाली बुरांस के पेड़ हैं हर टाइम, दूसरे जब ये आप देख सकते हो पीछे पूरे बांझ के पेड़ हैं और बुरांस के पेड़ हैं। और अब आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से आगे का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। गया अंदर और ये सामने ये पूरी हमारी फैमिली है, हम में पूरे 12 मेंबर। और ये है सुंदर से नज़ारे और ये हमारे दो सबसे छोटे साले आलोक और सागर, बाकी ये प्रकृति का स्रोता। और अभी आपने देखा होगा ये शायद यात्री थे और पैदल शायद चल नहीं पाए, तो यहाँ घोड़े खच्चरों का भी इंतज़ाम होता है और नहीं करना चाहिए वैसे। अगर आप बाबा के दर्शन कर रहे हो तो अपनी श्रद्धा और भक्ति से आना चाहिए, जितना भी आप पे सामर्थ्य हो उतने उसके हिसाब से चलना चाहिए, बाकी अपनी अपनी वो है क्या ही बताएं। और अभी कितना दूर है अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और जिनको पता है भाई लोग तो वो आगे निकल रहे हैं। तो चलो, मौसम फर्स्ट क्लास है और हम हैं पहाड़ी लोग तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो सामने पे आगे आगे आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाते रहेंगे और ब्लॉग में आप बने रहें। और बहुत ही प्यारा लोकेशन आगे दिख रहा है तो दिखाते हैं आपको भी बैक कैमरे से। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और यह है बहुत ही प्यारा सा एक बुग्याल और सूर जिसे हम बोल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम लाइफ में आया हूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। बाकी जठो जी कुछ कहना चाहेंगे? दो रिश्ते हैं सामने हमारे तो वाह, इस प्रकृति का सौंदर्य क्या ही बताएं। और हम सब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो शायद सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा हो। ये ऊपर तक आप देख सकते हो पूरी हरियाली है और इतना बड़ा सूर, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं। और यहाँ तो कैंपिंग भी करते हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखो
सो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर इसके बाद निकलेंगे ऊपर। ये यहाँ पे अभी सारा सेब सूप खाते हैं और फिर निकलते हैं ऊपर की ओर। अभी कितना दूर बोल जाना, अभी कब जाना है? जाना 2 किलोमीटर सीमा से बाहर नहीं थे जरा इंच बस। अच्छा, तो यहाँ से आप ये रास्ता होगा ऊपर जाने जा जाएंगे इसी तक यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे लोगों की मरड़े भी रहते हैं, साई जिसको हम बोलते हैं। और ये है भेड़ बकरियाँ, ये आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे, और आजकल घास रहती है तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे ये चर रहे हैं, चुग रहे हैं। वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी हमें बहुत ही ऊपर जाना है, यहाँ से पता नहीं अभी कितना दूर है। और लोकेशन बताऊँ अगर आपको, तो उखीमठ से 15-20 किलोमीटर आगे चोपता है, और चोपता से हमें ऊपर चढ़ना है पैदल 3-4 किलोमीटर, और फिर पहुँच जाएंगे हम तुंगनाथ महादेव मंदिर में। और अगर टॉप व्यू देखना है तो चंद्रशिला, जो कि तुंगनाथ से ऊपर है, सुबह भी देखेंगे। अगर वहाँ तक जाने का प्लान बन पाया तो वहाँ भी जाएंगे। और बाकी मौसम भी अभी तक साथ दे ही रहा है, कोहरा है पर बारिश नहीं हुई है। अगर कोहरा साफ रहता तो और भी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते, फिर भी ये सब कुछ। और हमारे साथ यात्रा पे चल रहा है एक डब्बू। सो दोस्तों, फाइनली इतने बड़े इंतज़ार के बाद और पहुंच चुके हैं हम
तुंगनाथ महादेव के मंदिर में, और ये है सभी फैमिली जो कि थक चुकी है। और सामने तो पूरी धुंध है यार, साइड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा वाइट वाइट आप देख सकते हो। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम तुंगनाथ महादेव में, बस थोड़ा ऊपर ही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बाबा के दर्शन हो रहे हैं और साथ दे दिया मौसम ने काफ़ी। और अब थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, सुबह बहुत ही बारिश आई थी पर अभी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब ये छोटी छोटी दुकानें हैं और बहुत ही प्यारा सीन है आप देख सकते हो, और श्रद्धालुओं की भीड़ तो बहुत ही है। कुल मिला के पूरे रास्ते में भरा पड़ा था और बाबा की नगरी में आ चुके हम, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है फीलिंग। और यहाँ पे छोटी छोटी ये दुकानें हैं।
डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में आता है और पंच केदार में से एक केदार तुंगनाथ महादेव भी है। और यहाँ भगवान शिव के पूजाओं की पूजा की जाती है और आजकल सावन के महीने आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की यहाँ लाइन लगी रहती है और श्रद्धा भक्ति से आते हैं। और चोपता से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर हाइट पे बसा हुआ है तुंगनाथ महादेव का ये प्रसिद्ध मंदिर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हो। और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। सो दोस्तों, अभी पूजा पाजा हो चुकी है और अभी भी हम तुंगनाथ मंदिर के ही प्रांगण में हैं और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है और बहुत ही विशाल मंदिर है। और हम फर्स्ट टाइम आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से इसका डिज़ाइन बना हुआ है और ये खूबसूरत सा नज़ारा। और अब दर्शन कर लिया है, इसके बाद अब हम निकलेंगे घर की ओर। और बाकी पीछे आप देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पे हरी हरी घास। ये आज कोहरा लगा है तो उसकी वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सो दोस्तों, फाइनल अभी तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके हम घर की ओर निकल रहे हैं और अभी ठंड लग रही है तो सब पैक हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। सो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।